नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रायसेन जिले के औद्योगिक नगर मंडीदीप में पानी की समस्या को लेकर पटेल नगर के रहवासियों ने नगर पालिका के सामने पानी नहीं मिलने के कारण मटके फोड़े। इसी बीच वहां तहसीलदार और पुलिस भी पहुंच गई तो लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। हम आपको बता दें कि मंडीदीप नगर पालिका जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इस कारण से औद्योगिक क्षेत्र कोने का कारण मंडीदीप की आबादी भी जिले में सर्वाधिक है। पानी नहीं मिलने से नगर में भीषण जल संकट है। इसी को कर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में पटेल नगर के रहवासियों द्वारा नगर पालिका के सामने मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया गया। चारों वार्डों के लोगों ने बहुत ही ज्यादा आक्रोशित होकर, दुखी होकर नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पिछले दो माह में यहाँ पटेल नगर के लोग पानी की भीषण समस्या से त्रस्त है। अभी तीन दिन पहले वीरेंद्र मीना जी, पिपलोदे जी और गौरव साहब के नेतृत्व में पटेल नगर के कुछ लोग माननीय कलेक्टर महोदय से मिले और समस्या से अवगत कराया, और उसके बाद हमारे विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवारी से भी मिले और उनको भी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने भी यहाँ पर नगर पालिका सीएमओ को फ़ोन लगाया था, लेकिन सीएमओ ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके इनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे कि पानी की सप्लाई निरंतर बनी रहे। इससे पहले टैंकर में 50 लाख से 1 करोड़ तक के टेंडर किए जाते थे, लेकिन इस बार टैंकर बंद कर दिए, क्या रीज़न है? इसकी जानकारी हम सीएमओ नगर पालिका से लेते हैं, अभी एसडीएम साहब से भी चर्चा करेंगे। तो निरंतर रायसेन से भारत मीना की रिपोर्ट।